हाय फ्रेंड्स, नॉलेज पे यूट्यूब पे आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक वीडियो एडिटर इंस्टॉल करने वाला हूँ, कैप कार्ड। तो इसमें आपको कहाँ मिलेंगे, ये फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, आपको इसे माइक्रोसॉफ्ट में मिलेंगे। तो मैं आपको इंस्टॉल होते होते आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है कैप कार्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। तो स्क्रॉल करने के बाद आपको ये माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ पर मिलेंगे, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसे ले सकते हैं। हम अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ रेस्पॉन्सिव नहीं हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि मेरा अकाउंट हमने लॉगिन नहीं किया। तो बिना लॉगिन के भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा और नीचे जाना है, यहाँ पर आपको मिलेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसे देखिए हो गया है, इंस्टॉल कंप्लीट हो गया है। हम स्टार्ट में क्लिक कर देते हैं, आप इसे देख लेते हैं। और फ्रेंड, मेरे चैनल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह वीडियो पाने के लिए। थोड़ा लोड हो रहे हैं। और क्या क्या इफेक्ट है मैं आप सबको रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, कौन कौन सा लैंग्वेज है। ड्राइवर ने अपडेट, लॉगिन करने के लिए कह रहे हैं। स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो फिर ये तो पॉप अप होने लगा, आप एक वीडियो ले लेते हैं। इसे ले लेते हैं। इसे यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। इसके बाद लाइब्रेरी जाते हैं, इसमें क्या क्या है, बहुत अच्छी नजर है। तो फ्रेंड, हम इसे किस तरह यूज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको नजर आएंगे एक
डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे, ऐसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं थोड़ा, ये एक जस्ट के लिए है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे, हर तरह का यूज़ कर सकते हैं। और यह कुछ डाउनलोड नहीं है, आपको यहाँ पर क्लिक करके ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे। और बहुत सारी इफेक्ट है इसमें, बहुत स्मूथ ही चल रहे हैं वीडियो एडिटर, को ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता नहीं है। एनिमेशन में हम देख लेते हैं क्या है, क्या है। कुछ फिक्स्ड है, यहाँ पर ऑडियो लाइब्रेरी में जाते हैं, स्टिकर वगैरह इसे लोड करना पड़ेगा। फिल्टर वगैरह बहुत कुछ है, थोड़ा और फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड एक अलग फ्रेम लगा दिया, देख लेते हैं फिल्टर में कैसे दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर हैं,
यहाँ से एडिट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है।